आज पूरे भीलवाड़ा जिले में लगभग 30,000 से ज़्यादा युवाओं को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम रखा गया था। तो ये वस्त्र भवन में और स्वरूपगंज में और अलग अलग जगह पे इंडस्ट्री की लेबर को भी वैक्सीन लग रही है और जिले के अन्य 62 लोकेशंस पे सभी युवाओं को वैक्सीन लग रही है। तो सभी तैयारी ठीक से है कि नहीं, व्यवस्थाएं ठीक से है कि नहीं, ये देखने के लिए साथ ही युवाओं में उत्साह किस तरह का है और इंतजाम आज प्रशासन की तरफ से वो पर्याप्त है कि नहीं। अभी वैक्सीन अपने पास अभी भी उपलब्ध है, जब तक वैक्सीन अभी है वो चलती रहेगी और नई वैक्सीन की खेप आएगी उसके बाद भी चलती रहेगी, फिलहाल 2 दिन के लिए और चलेगी। मैं समझता हूँ कि हमारे भीलवाड़ा ज़िले के काफ़ी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो प्रोसेस हाउस हो चाहे आपके स्पिनिंग वीविंग एसोसिएशन के लोग हों, इन्होंने CM रिलीफ के फंड्स में काफ़ी अच्छे से योगदान दे रहे हैं और हमेशा ये सहयोग की भूमिका में रहते हैं, तो आगे भी ये इसी तरह का सहयोग करते रहेंगे प्रशासन में। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने लेबर के लिए हमें एक स्लॉट अलॉट किया है 500 वैक्सीन का, जिसमें लगभग हमने 480 वैक्सीन अब तक लग चुकी है और श्रीमान कलेक्टर साहब स्वयं यहाँ पधारे हैं और जो भी जो निर्देश है अगली बार के लिए इसको सुधारने के लिए हमें सोमवार को एक स्लॉट और दिया जाएगा श्रीमान द्वारा। वो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 से ऊपर हमने डिमांड की कि 1,000 का स्लॉट हमें सोमवार को अलॉट हो, उस स्लॉट को हम अच्छे तरीके से और कर सकें इसके लिए आज हमारे यहाँ तो ये वस्त्र भवन में हुई, वस्त्र भवन के अंदर सारी विविंग लेबर हमारी यहीं आई थी और सबको हमने यहाँ वैक्सीनेट किया। आज हमारे उद्योगपति, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा श्रीमान राजेश जी बालर, श्रीमान दीपक जी बंसल, श्रीमान हरी भाई, श्रीमान योगेश जी बियानी, श्री वर्मा साहब, विवेक जी वर्मा, इन लोगों ने आज पूरे जी जान से लग के सब लोगों को, लेबर को फैक्ट्री से लाने यहाँ तक लाके और उनको प्रोत्साहित किया कि वैक्सीन। अभी भी एक श्रमिकों में भय का माहौल है, लेकिन मैं बहुत इन उद्योगपति भाइयों का आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने सुबह 10 बजे से लेकर अब तक 450 लेबर फैक्ट्रियों से निकाल के यहाँ लेके आए, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार हूँ कि इस कलेक्टर साहब के इस मिशन को इन्होंने पूरा करने में पूरा सहयोग किया।